अचानक आप सोच रहे होंगे कि हम लोग सिंगल एंट्री का कन्वर्सन कर रहे हैं तो अचानक हम लोग नॉन प्रॉफिट में कैसे आ गए। इसलिए आ गए क्योंकि वहां पर आप देखे होंगे एडजस्टमेंट होता था, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का। वैसे हम लोग सबको ही जानते हैं कि अगर क्लोजिंग एडजस्टमेंट में फाइनल अकाउंट हम लोग बनाए हैं, फाइनल अकाउंट में हम लोगों ने क्या देखा है कि जब भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड दिया रहता है एडजस्टमेंट में, तो रिलेटेड आइटम के साथ हम लोग आउटस्टैंडिंग को प्लस करते हैं और प्रीपेड को माइनस करते हैं, लेस करते हैं, क्योंकि वहां जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता है जिसको देख के हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो एंड ऑफ द ईयर के दिए रहते हैं क्लोजिंग का। यानी जो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है वो क्लोजिंग को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अभी आपको अगर हम बोल दें क्लोजिंग, तो हम लोग जानते हैं जस्ट आउटस्टैंडिंग प्लस होता है रिलेटेड आइटम से और प्रीपेड माइनस होता है। लेकिन अगर मान लीजिए दो डेट दे दिया, आउटस्टैंडिंग का दो डेट दे दिया, एक ओपनिंग डेट और एक क्लोजिंग डेट, तो क्या करेंगे? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होगा तो ओपनिंग क्या होगा? माइनस होगा। ये बात आप पहले भी सीख चुके हैं, प्रीपेड माइनस होता है तो प्लस होता है। यानी अगर आउटस्टैंडिंग हमको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों देगा तो क्लोजिंग को हम लोग क्या करेंगे? रिलेटेड आइटम से प्लस कर देंगे और ओपनिंग को क्या करेंगे? ठीक है, इसी तरह से प्रीपेड क्लोजिंग को माइनस करेंगे तो ओपनिंग को प्लस करेंगे। हो गया बात? आ गया समझ में? थोड़ा बहुत याद आ गया? आइए सवाल करते हैं हम लोग। ये सम्स जब अभी हम लोग ईयर सॉल्व करने के लिए जाएंगे, आप बोलेंगे अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं? बहुत पुराना ईयर सॉल्व कर रहे हैं। लेटेस्ट किए क्या 2011-12 से लेके 18 तक, जो हम हर एक बार करवाते हैं। तो ध्यान से यहां पर देखो, राम नरेश कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री बेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई हिम प्रिपेयर ए ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और एक बैलेंस शीट बोल रहा है। फर्नीचर ओपनिंग क्लोजिंग में दिया हुआ है, स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग में दिया हुआ है, डेटर भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, प्रीपेड दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग एडजस्टमेंट में। देखो प्रीपेड जो दिया हुआ है ना ओपनिंग में तो नहीं है, बट क्लोजिंग में कितना दिया हुआ है? 4000 एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस के साथ जब हम लोग पीएल अकाउंट में जब जाएंगे, पीएल अकाउंट में जब जाएंगे तो वहां पर जो एक्सपेंस दिया रहेगा, तो प्रीपेड क्लोजिंग है तो प्रीपेड क्लोजिंग रिलेटेड आइटम से माइनस होगा। क्रेडिटर तो आप जानते ही हैं, ओपनिंग का दिया हुआ है, क्लोजिंग का नहीं दिया हुआ है। आप बोलेंगे सर सब कैसे बनेगा? अरे क्या हुआ, अगर ओपनिंग का दे दिया है क्लोजिंग का नहीं दिया हुआ है। अभी आप ऐसा सोचो, ओपनिंग का क्लोजिंग अगर दिया रहता था, कैश पेड दिया रहता था, तो क्या निकलता था? क्रेडिट परचेज। अभी क्रेडिट परचेज दे देगा तो ये निकल जाएगा। चार में से कोई तीन दे देगा तो फोर्थ तो निकलना ही निकलना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे दिया है, तो जब हम एक्सपेंस में जाएंगे तो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग को प्लस करेंगे और ओपनिंग को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देख लिए, अब कैश ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे दिया है, बैलेंस लिखने का कोई दरकार नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर दे दिया है, रिसीट फ्रॉम डेटर, डेटर अकाउंट से रिसीट हुआ डेटर अकाउंट में जाएगा, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा, कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे वहां जाएगा, ड्रॉइंग बैलेंस शीट में जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंस पीएल में जाएगा, एक ही एक्सपेंस दिया हुआ है उसके साथ आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। फर्नीचर आपने परचेज किया है तो कोई दिक्कत का बात नहीं। देखो फर्नीचर ओपनिंग में 10,000 था, 2,000 का और परचेज किए तो 12,000 हो गया, और क्लोजिंग में भी 12,000 है तो कोई भी डिप्रिसिएशन नहीं हुआ। आप लेंगे सर इसके पहले तो जब परचेज हुआ था तो आप बना के देखे थे, क्योंकि वहां कम पड़ रहा था, यहां पर कम नहीं पड़ रहा है। देखिए ना ओपनिंग में है ना फर्नीचर 10,000, और आप ड्यूरिंग द ईयर 2,000 का खरीदे तो 12,000 हुआ कि नहीं? तो 12,000 वहां दिया ही हुआ है। अदर इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट बात, देयर वेयर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स, अंडरलाइन करो, फंसा दिया आपको। आप लोग कैसे फंस गए सर? देखो देयर वेयर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स, अभी तक कैश सेल्स देता था, अगर कुछ नहीं बोलता
तो हम लोग बैलेंस अमाउंट को कैश लिख रहे थे, इसीलिए यहां पर देखिए ओपनिंग क्लोजिंग दोनों कैश दे दिया। तब अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों, कैश अकाउंट में हम लोग ओपनिंग कैश यहां लिखेंगे, क्लोजिंग यहां लिखेंगे और सारा ही कुछ हम लोग इधर में पेमेंट करेंगे। देखो एक चीज का ध्यान रखेंगे, फर्नीचर से लेके पूरा हम लोग देख चुके हैं, नीचे में क्या बोल रहा है, देयर वेयर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स। अब ओपनिंग आपका कैश दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, ये जितना भी रिसीट एंड पेमेंट हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट वो हम लोग अपने जगह रिसीट की जगह ले जाएंगे, पेमेंट को पेमेंट की जगह ले जाएंगे। तो अगर इधर कम पड़ेगा तो क्यों कम पड़ गया, जब ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो कैश सेल्स हो गया। इसीलिए बता रहा है कि जो यहाँ पर कुछ कैश सेल्स है, कैश सेल्स होगा तो क्या होगा, रुपया आएगा ना। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर 23,000 क्यों दे दिया, क्योंकि आपको वहां पर ऊपर में देखिए क्रेडिटर क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है तो क्रेडिट परचेज दे दिया। मेक ए प्रोविजन, प्रोविजन बोल रहा है किसके ऊपर बनाने के लिए, डेटर के ऊपर, कितना परसेंट, क्लोजिंग डेटर के ऊपर लेते हैं। तो देखो यहां पर क्या क्या बनेगा, यहां पर एक डेटर बनेगा, एक क्रेडिटर बनेगा, बट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन पाएगा, इसीलिए हम लोगों को एक क्या बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट, जहां से क्या फाइंड आउट करेंगे, जो ये लाइन बोला है देयर वेयर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स। सवाल इजी है बट हम क्यों बना रहे हैं जानते हैं, इस चीज के लिए, इस चीज के लिए। जल्दी शुरू करो, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं। देखिए यहां पर ध्यान से, हम लोग डेटर अकाउंट बना रहे हैं, डेटर का ओपनिंग दिया हुआ है 12,000, क्लोजिंग दिया हुआ है 14,000, रिसीट फ्रॉम डेटर है 42,000 और इस तरह से हमारा क्रेडिट सेल्स 44,000 निकल गया। हम लोग अब क्रेडिटर अकाउंट में आएंगे, देखेंगे क्रेडिटर का ओपनिंग तो दिया हुआ है बट क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है, यहां पर क्लोजिंग निकला, क्यों, यहां पर पेड टू क्रेडिटर हमारे पास दिया हुआ है ऑलरेडी और इस बार आप देख रहे हैं क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर दे दिया, कितना दिया हुआ है 23 क्रेडिट परचेज। तो जब क्रेडिट परचेज देगा तो क्या निकल जाएगा, क्लोजिंग निकल गया। यहां पर एक लाइन बताया था कि आपके पास कुछ कैश सेल्स भी है, तो देखो कैश सेल्स का मतलब कैश अकाउंट, रुपया इधर आता है रुपया इधर जाता है। देखो हम लोग ओपनिंग ले लिए और क्लोजिंग ले लिए, यहां पर रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है, क्या क्या रुपया आया और क्या क्या रुपया गया है, रिसीट फ्रॉम डेटर, डेटर से रिसीट हुआ तो रुपया आया, कैश अकाउंट कैश बुक वही सिंगल कॉलम कैश बुक, रुपया आ रहा है रुपया जा रहा है, पेड टू क्रेडिटर तो रुपया गया, कैरेज तो रुपया गया, ड्रॉइंग किए तो रुपया गया, संडे एक्सपेंस पेड किए तो रुपया गया, फर्नीचर परचेज किए तो रुपया गया। इस साइड में देख रहे हैं 52,600 आया, अरे रुपया आपके पास रहेगा तभी तो खर्चा करेंगे, तो 52,600 इधर में 8,400 रुपया आपका क्या हुआ, बैलेंस इस साइड में गिर गया, तो इस साइड में गिर गया तो क्या किए होंगे हम लोग, नो डाउट यहां पर बोला है ना कैश सेल्स किए हैं, तो हम लोगों ने कैश सेल्स लिख दिया, अब कैश सेल्स भी आ गया। ओके अब हम लोग आसानी से ट्रेडिंग और पीएल बना सकते हैं कि नहीं, जल्दी से बनाइए ट्रेडिंग एंड पीएल। तो देखो इसके आगे के दो सम्स में जो ऑनर्स का सम्स था आपके यूनिवर्सिटी का, उसमें हम लोग मैनेज कर लिए, कैश और बैंक को मैनेज कर लिए, लेकिन यहां पर मैनेज नहीं कर पाए। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक लिए, दो अकाउंट हम लोग बनाए थे अभी, जहां से हम लोगों को क्या पता चल गया, क्रेडिट परचेज ऑलरेडी दिया हुआ था बट बनाए हम लोग, और क्रेडिट सेल 44,000। अब देखेंगे हम लोग एक कैश अकाउंट भी बनाए थे जहां से कैश सेल्स कितना आया था और क्लोजिंग स्टॉक यहां पर आपको दिया हुआ है 2000। बट हम लोग एक्सपेंस देखेंगे अब कि क्या कुछ ट्रेडिंग में आ सकता है। देखिए क्या क्या है, रिसीट फ्रॉम डेटर, डेटर अकाउंट में चला गया, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट में चला गया, कैरेज दिया हुआ है कितना, कहां का आइटम है ये, तो कैरेज इनवर्ट लिख दिए, बाकी यहां पर आने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है।
प्लस माइनस कर दिए 21,400 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग एक्सपेंस की तरफ जाएंगे, जो जरा रिसीट एंड पेमेंट को देखिए, रिसीट फ्रॉम डेटर, डेटर अकाउंट में जा चुका है, पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट में जा चुका है, कैरेज इनवर्ट हम लोग ले चुके हैं, ड्रॉइंग तो कहां जाएगा, तो बैलेंस शीट में जाएगा। यहां पर आप देख रहे हैं सन्ड्री एक्सपेंस है सिर्फ एक ही, टू सन्ड्री एक्सपेंस कितना 14,000, लेकिन यहां पर ही बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है छिपा हुआ। ऊपर में जरा देखिए, जो ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है वहां प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है क्लोजिंग में, बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। अभी तुरंत हम आपके साथ डिस्कस किए थे कि नॉन प्रॉफिट, वैसे हम लोग नॉन प्रॉफिट अकाउंट भी इधर में करेंगे, तो नॉन प्रॉफिट में मैंने बताया था आपको कि आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बोलेगा तो आउटस्टैंडिंग हमारे लिए नया नहीं है, प्रीपेड भी हमारे लिए नया नहीं है, ये हमारा पुराना बात है। आउटस्टैंडिंग जनरली हम लोग क्लोजिंग प्लस करते हैं तो ओपनिंग माइनस होगा, प्रीपेड हम लोग माइनस करते हैं तो ये प्लस होगा। अब वहां का हेल्प लेके हम लोग करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर प्रीपेड एक्सपेंस कहां का दिया हुआ है, बोलिए, क्लोजिंग का। तो प्रीपेड क्लोजिंग, ये क्लोजिंग क्या होगा, तो लेस करिए, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में दिया हुआ है, तो देखिए आउटस्टैंडिंग जो ओपनिंग में है वो क्या होगा, लेस होगा, ओपनिंग कितना दिया हुआ है और क्लोजिंग क्या होगा, अब एक एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है 10% पीबीडी करना है, क्लोजिंग डेटर कितना, क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है बोलिए, क्लोजिंग 14,000 दिया हुआ है, एक बार थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एक ही खर्च दिया हुआ था सिर्फ ये, बट इसके साथ ओपनिंग और जो क्लोजिंग दिया हुआ था उसको एडजस्ट कर दिए, और एक नीचे में हम लोगों को देखे प्रोविजन आ गया। अब जल्दी से आप ओपनिंग बैलेंस शीट ड्रॉ करो ताकि क्लोजिंग बैलेंस शीट आप तैयार कर पाएंगे। बैलेंस शीट को देखिए, ओपनिंग का सब ओपनिंग में ले लिए, ओपनिंग में फर्नीचर दिया हुआ था, ओपनिंग में स्टॉक था, ओपनिंग में डेटर था, ओपनिंग में कैश था, ओपनिंग में प्रीपेड नहीं है। यहां पर आप ओपनिंग में क्रेडिटर देख रहे हैं, ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, तो हमारा कैपिटल कितना गया 25,000। क्लोजिंग में सब कुछ क्लोजिंग का लिए, बट ध्यान रखेंगे डेटर के ऊपर आपने एक प्रोविजन किया था उसको हम लोग यहां पर दिखा दिए, ओपनिंग कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट और ड्रॉइंग को एडजस्ट कर दिए, तो इस तरह से आ गया। बहुत ही आसान। अभी आप लगातार जो क्लास, लगातार जो तीन सम्स देखे, आपको पता चल गया होगा कि कन्वर्सन कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में आप ईयर लेकर आएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको क्या लेकर आना है जी, ईयर लेकर आइए, और आप तो देख ही रहे हैं जितना इजी से इजी हो सकता है करके आपको बता रहे हैं, नो डाउट। तो जरूर से आप बीच बीच में मेरे मास्टर सर क्लासेस को शेयर कीजिए, शेयर कीजिए अपने सर्कल में शेयर कीजिए, तो और कॉलेज जाते हैं तो लोगों को थोड़ा बताइए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मातृसत्व क्लासेस में जुड़ सकें।